टुडे आई विल स्टार्ट लेसन टू फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ के विषय में हम लोग को पढ़ना है और पहले इसके विषय में हम फर्स्ट बार लेक्चर दिए थे तो आप लोग को बताए थे कॉम्पोनेंट के विषय में, फूड कॉम्पोनेंट ऑफ फूड बता दिया था आप लोगों ने, लेकिन फिर आप लोग रिवाइजेशन दे रहे हैं लेसन से। आप देखिए बुक में वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, हमें भोजन दोनों से मिलता है, किस किस से, प्लांट से भी और एनिमल से भी। एनिमल्स जैसे मिलता है हमें मिल्क मीट एग, और प्लांट से क्या मिलता है, और प्लांट से जितने भी और सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आयल है, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। तो हम लोग भोजन के लिए प्लांट और एनिमल पर निर्भर हैं। अब एक्टिविटी टाइम में देख लीजिए, पिक्चर दिया है, लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और राइट पी फॉर फूड ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, पी फॉर फूड जो प्लांट से निर्भर, और ए फॉर फूड ऑब्टेंड फॉर एनिमल, जो एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको ए करना है और जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उन्हें पी करना है। जैसे ब्रेड, तो ब्रेड किससे प्राप्त होता है, तो प्लांट से। बटर, तो ए एनिमल से। फ्रूट, तो प्लांट से। मिल्क, तो एनिमल से। जूस, प्लांट से, और ए तो एनिमल से। दिस इज कंप्लीटेड एक्टिविटी, आप टेस्ट रन अप कर लीजिए आप सभी। और हम लोग आ जाएंगे सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कौन कौन से मतलब कंपोनेंट है। तो फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, फूड के अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है, हिंदी में उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, पोषक तत्व ही हमारे शरीर को एनर्जी यानी शक्ति देता है। दे प्रोवाइड आवर फूड, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड हेल्प इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, हमारे शरीर को डेवलप करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ देता है। हमारा शरीर इसी न्यूट्रिएंट के माध्यम से बढ़ता है और बीमारियों से भी बचाव होता है। देयर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट इन द फूड, हमारे भोजन में पांच तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, आपको पहले भी बताए हैं और आज भी जान लीजिए कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये पांच टाइप्स के हमारे शरीर में क्या है, न्यूट्रिएंट है। आवर बॉडी नीड ऑल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट, हमारे शरीर में ये सभी न्यूट्रिएंट एक सही मात्रा में चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। तो सबसे पहले जानिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। व्हीट, राइस, कॉर्न, ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कुछ चीजें जो है, गेहूं है, चावल है, मकई है, रोटी है, आलू है, चावल, चीनी है, ये सब हमारे, ये सब जो भोजन हम करते हैं इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमारे शरीर को, एनर्जी देता है। दूसरा नंबर आता है फैट का, फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक एनर्जी देता है ना, ज्यादा एनर्जी देता है। मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट, ये तस्वीर जिसका नाम होंगे मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। एक्सरसाइज, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैटी फूड कैन कॉज दिस ऑब्सिटी, इसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, फैट अधिक एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, शरीर को बढ़ने में सहायता करता है। कौन सा न्यूट्रिएंट, तो प्रोटीन। दे आल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज एंड सेल ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर जो क्षतिग्रस्त शरीर कुछ भी
हो जाता है तो उसको भी रिपेयर करता है, टेनिस सेल को भी रिपेयर करता है और टिश्यू को भी रिपेयर करता है। कौन? प्रोटीन। मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग्स एंड मीट्स आर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। इसके बाद है विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हम विटामिन एंड मिनरल क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में फंक्शनिंग हो रहा है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, तो ये सब कौन किसकी सहायता से नॉर्मली काम करते हैं, तो विटामिन और मिनरल की सहायता से। दे हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और ये विटामिन और मिनरल क्या करते हैं, हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इन्हीं विटामिन और मिनरल के माध्यम से बढ़ती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क, जितने भी फ्रूट्स हैं और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, मतलब जितनी भी प्रकार की सब्जियां हो चाहे जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं और मिल्क, आज सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल, यही विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी हेल्प टू कीप द गम्स हेल्दी। विटामिन सी से हमारे गम्स, मतलब हमारे मसूड़े जो है, दांतों के पास जो है, वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कैल्शियम मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जितने भी दूध के माध्यम से मिलता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है और हमारे दांतों को भी मजबूत रखता है। इसके बाद है वाटर एंड नर्वस। वाटर एंड नर्वस बिसाइड्स न्यूट्रिएंट के अलावा आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड नर्वस। हमारे शरीर को पानी और नर्वस, नर्वस मतलब रेशेदार फल और सब्जी, ये होती है, तो नर्वस भी आवश्यक। नर्वस इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। रफेज क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो कि पचता नहीं है लेकिन वो हमारे भोजन का हिस्सा होता है। इट हेल्प इन गेटिंग राइट ऑफ द वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, जिसकी सहायता से वेस्टेज जो है हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जैसे हमारा जो भी सिस्टम वर्क करता है, तो कुछ में जैसे हम सब्जी ले लीजिए तो कोई चीज उसमें जो होता है यूजेबल होता है, कोई चीज होता है अच्छे, जैसे सब्जी के सिनके वगैरह होते हैं वो यूजेबल नहीं होते तो हम निकाल देते हैं, तो वो जो यूजेबल नहीं होते हैं वैसी प्रकार से हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में जो भी चीज़ें जो वेस्टेज होती है वो पसीने के माध्यम से, एक टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, तो ये रफेज जो है उसी में हमारी सहायता करता है, हमारे शरीर से वेस्टेज जो है, वेस्ट स्टार्च जो है उसको निकालने में सहायता करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सोर्सेज ऑफ रफेज। फ्रूट्स और वेजिटेबल विटामिन और मिनरल के साथ साथ रफेज के भी स्रोत है। Water also help to get rid of the wastes from our body in the form of urine. Wastes water जो है सहायता करता है urine के माध्यम से हमारे शरीर से गंदगी को निकालने का। ये तो हो गया water and roughness। इसीलिए हमारे शरीर को कम से कम, हमें कम से कम एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर का जो भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रूप से चलता है। इसके बाद बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, मतलब संतुलित आहार। डाइट मतलब आहार होता है, जो खाते हैं हम वही हमारा आहार है। वी शुड कंज्यूम फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। वी शुड कंज्यूम फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। हमें वो भोजन चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व हो। आवर डेली डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन द adequate amount required for the healthy functioning of the our body is known as a balanced diet। कह रहा है कि हमारा जो एवरी प्रतिदिन का भोजन है उसके अंदर ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर का जो फंक्शनिंग है सही तरीके से कार्य कर सके, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक तंत्र है, मानव शरीर एक तंत्र है, our body is a machine। कहा जाता है नेचुरल मशीन है, ईश्वर ने इसे बनाया है। वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप एवरी डे। हम सभी क्या कहते हैं, वी शुड ईट फूड, हम लोग एवरी डे भोजन करते हैं फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप एवरी डे। यहाँ फूड ग्रुप दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फूड, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हमारे भोजन में हो चाहिए, ब्रेड चाहिए, राइस चाहिए, पोटैटो चाहिए, इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए और फैट भी चाहिए हमें, शुगर और रिच फूड, शुगर रिच फूड जैसे कि मील है, इसके बाद है हमें और भी भोजन चाहिए क्या क्या, मील, फिश, चिकन, बीन्स एंड नट्स, ये सभी कुछ हमारे भोजन में अगर प्रतिदिन के भोजन में शामिल होगा
एक सही अमाउंट में, एक सही बैलेंस मात्रा में, तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद हेल्दी है, स्वस्थ रहने की आदतें, स्वस्थ हम कैसे रहें, दूसरा टॉपिक हमारा है, सॉरी तीसरा टॉपिक है हेल्दी हैबिट। तो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट आर एसेंशियल फॉर कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम कीजिए रोज, करेक्ट पोस्चर मतलब सीधे खड़े होना, सीधे बैठना, सही ढंग से लेटना, ये गुड पोस्चर है जिससे हमारा शरीर का जो है, शरीर भी हमारा सही रहता है, स्वस्थ भी रहता है। रेस्ट मतलब हमें कम से कम 6 घंटे हमें आराम करने चाहिए, 24 घंटे दिन के जो होते हैं, दिन रात मिला के जो 24 घंटे होते हैं, उसमें कम से कम 6 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। तो ये सब आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के। इसके बाद एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर बॉडी, सॉरी एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है सही ढंग से होता है, शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट होता है, अच्छे से पहुंचता है और हमारे मसल्स जो है टाइट और फोल्ड होते हैं, मतलब टाइट रहते हैं, जिससे कि उनमें झुरी पर नहीं आता। इसके बाद रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, एरोबाइक एंड योगा आर सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये सब एक्सरसाइज के तरीके हैं, बहुत सारे लोग उठ के साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, इस तरह से वो अपनी एक्सरसाइज को करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसके बाद पोस्चर क्या है, पोस्चर इनके पहले भी पढ़ाया गया है लेकिन आज के दोहरा दिया जाए। पोस्चर, पोस्चर इज अ पोजीशन इन विच आवर विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। पोस्चर क्या है, पोस्चर वो तरीका है, पोस्चर पोजीशन है हमारे शरीर का, जिस तरीके में हम लोग बैठते हैं या खड़े होते हैं या फिर मूव करते हैं। कोई बिल्कुल ऐसा करके चलता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, मोस्ट टाइम हमें सीधे बैठना चाहिए, इससे हमारा शरीर जो है सही होता है। तो वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हेन सिटिंग और स्टैंडिंग, वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। हम जब भी बैठते हैं खड़े होते हैं, स्ट्रेट मतलब सीधा होना चाहिए, हमारा पीछे का जो रीढ़ का हड्डी है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, सही तरीके से सोना आराम से, आवर मसल्स एंड गिव आवर बॉडी द मस्ट नीडेड रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स, प्रॉपर रेस्ट मतलब सही तरीके से आराम करने से, नींद लेने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, हमारे मसल्स को क्या मिलता है, आराम मिलता है, जिससे हमारे शरीर को, इसीलिए हमारे शरीर को रेस्ट आवश्यक है। चिल्ड्रन नीड 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इन ए डे। एक छोटा बच्चा जो होता है 8 से 10 घंटे तक दिन में सोता है, एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे। अब देखिए रनिंग, वी शुड एक्सरसाइज डेली रनिंग, योगा है, कैसे बैठना चाहिए, वी शुड सिट स्ट्रेट, यहाँ पे सिर्फ एकदम सीधे बैठिए, वी नीड प्रॉपर स्लीप, सही तरीके से सोना, प्रॉपर स्लीप रोज एवरी डे 8 घंटे का नींद लेना है तो लेना है। अब देखिए क्विक रिकॉल दे रहा है आप लोग, सॉरी लेट्स रिकॉल ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, आप सभी अपने बुक से मिला लीजिएगा। लिख रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, एनर्जी देते हैं तो ट्रू, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं। सेकंड नंबर, कैल्शियम मेक आवर बॉन्स एंड टीथ वीक, कैल्शियम से हमारे बॉन्स और टीथ कमजोर नहीं होते, वीक नहीं होते, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। थर्ड, रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द एनिमल फूड, रफेज जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट है एनिमल फूड। इसके बाद एग एंड मीट आर सोर्सेस, तो ये थर्ड नंबर जो है क्या है, ट्रू। फोर्थ नंबर, एग एंड मीट आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो ट्रू है, एग और मीट प्रोटीन का सोर्स है, तो तभी से एग और प्रोटीन प्राप्त होता है, एग और प्रोटीन मीट से प्रोटीन प्राप्त होता है। नंबर फाइव, आवर बॉडी डज नॉट नीड वाटर एंड रफेज, हमारे शरीर को पानी और रफेज की आवश्यकता है, और लिख रहे कि नहीं है, तो सेंटेंस क्या है, फॉल्स मतलब रॉन्ग। तो ये क्विक रिकॉल हो गया, लेट्स रिकॉल हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं डिजीजेस, डिजीज मतलब बीमारियां, एडिजेस, डिजीज, डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारियां। तो बीमारी क्या है, डिजीज इज ए अबनॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी, डिजीज वो है जिसमें हमारा शरीर जो है असहाय हो जाता है, या फिर हम लोग अस्वस्थ महसूस करते हैं खुद को, किसी काम में हमारा मन नहीं है, सुझाव
सुचारू रूप से कर नहीं पाते हैं, हमें हमें भूख ऐसी लगती है, नींद आती है, तो वो हमारा वो जो कंडीशन होता है वही मतलब बीमारी होता है, वही मतलब बीमार है। कह रहा है कि डिजीज इज ए अब नॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसमें डिजीज के कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं। डिजीज कैन ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। इसी से बीमारियां तभी हो सकती है जब हमारे शरीर हमारे भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए। मान लीजिए हम प्रोटीन वाला भोजन ही नहीं ले रहे तो हमारा शरीर जो है वो कमजोर होने लगेगा और हमें उससे बीमारी हो सकती है। दे मे ऑल्सो ऑफर ड्यू टू जर्म्स, और हमें बीमारी जर्म्स के द्वारा हो सकती है। जैसे आपको छींक है, आपको सर्दी खांसी हुआ, आपने छींका, आपके जैसे हमको भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज, दो प्रकार की बीमारियां होती है। कौन कौन सी? एक होती है नॉन कॉम्युनिकेबल और दूसरी होती है कॉम्युनिकेबल। कॉम्युनिकेबल और नॉन कॉम्युनिकेबल। नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक से दूसरे में नहीं फैलती। मान लीजिए हमें नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है तो वो आप हमारे साथ रहिए, खाइए, पीजिए, आपको वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक कॉम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस एक से दूसरे कॉन्टेक्ट में आने से गुजर रहा है, तो वो कॉम्युनिकेबल डिजीज। तो दो प्रकार की डिजीज, एक कॉम्युनिकेबल डिजीज जो असंक्रमित है और दूसरा कॉम्युनिकेबल डिजीज जो कि संक्रमित बीमारी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। पहले हम जानेंगे नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज के विषय में। That diseases that do not pass from one person to another are called non-communicable diseases. वो बीमारी जो एक से दूसरे में पास करके ले जाती है उसे non-communicable disease कहा जाता है। Some non-communicable diseases are caused due to lack of particular vitamins or minerals in the body. अधिकांशतः non-communicable disease जो है विटामिन या मिनरल की कमी से होती है। मतलब किसी विटामिन या किसी मिनरल की कमी से हमारे शरीर में ये बीमारी उत्पन्न होती है। सम डिफेंसेस डिजीज आर शो इन द फिगर बिलो। नीचे कुछ विटामिन के मतलब विटामिन की कमी होने के बारे में दिया गया। जैसे देखिए ऐसे भी जो धातु में हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सुबह कमजोर हो जाते हैं पहले डे का। इसके बाद रिकेट्स, मतलब बच्चों के पैर नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद है ग्वाइटर, जिसे ढींगा कहते हैं, गला जो है गले में गला जो है सामान्य आदमी से उसका गला जो है अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। तो नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज आर रिलेटेड टू द इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट। नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो है इससे संबंधित है। तो अगर हम प्रॉपर मतलब भोजन खाने पीने का आदत जो है सही नहीं होता है, जिसके वजह से नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन विच डाइट इज डिफेंसिव इन विटामिन डी वे सफर फ्रॉम रिकेट्स। अगर किसी के भोजन में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। मतलब हड्डियाँ कमजोर हो जा सकती हैं, नसें कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से चलन रापन या हाथ पैर टेढ़ा हो सकता है। इसके बाद है सिगरेट स्मोकिंग एंड च्यूइंग ऑफ तंबाकू also lead to harmful non-communicable diseases like cancer. देखिए कुछ लोग स्मोकिंग करता है, मतलब जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या च्यूइंग ऑफ तंबाकू या फिर गुटखा पान जो चबाते हैं, उन सभी लोगों को नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो किसे कैंसर कहा जाता है वो हो सकता है। सम डिफेंसियस डिजीज एंड देयर सिम्टम्स आर गिवन इन द टेबल क्रॉप। यहाँ पर कुछ डिफेंसियस डिजीज दिया गया है और उनको किसके वजह से क्या कमी होती है ये सब भी, सिम्टम क्या होता है, उनका लक्षण क्या होते हैं और किस विटामिन की क्या मिनरल की कमी से उनके बीमारी होती है। तो पहला दिया है डिफेंसेस डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में नहीं दिखाई देना है ना। काउजेस बाय डिफेंसेस ऑफ विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। पर्सन क्या होता है, पर्सन को कैसे लक्षण हो जाते हैं, पर्सन नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट। अब व्यक्ति को जो है कम प्रकाश होगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल कैरोट पपाया मैंगो मिल्क और ये क्रॉल, ये सभी कुछ हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए।
सेकेंड डिहाइड्रेशन में बेरी 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 जो है विटामिन बी वन की कमी से होता है. पर्सन है वीक मसल एंड नर्व्स एंड गेट क्रम्स. इसमें क्या होता है पर्सन का जो व्यक्ति के जो है मसल्स और नर्व्स जो है कमजोर हो जाते हैं और वो क्रम्प या मुड़े टेढ़े मेढ़े से शरीर उनका हो जाता है. इसके बाद अनपॉलिशेड राइस मतलब ब्राउन राइस खाइए आप, जिससे आप इससे बच सकते हैं. सीरियल्स खाइए मतलब अनाज खाइए. मिल्क दूध का अपने भोजन में शामिल कीजिए. पी शामिल कीजिए और मिल्क शामिल कीजिए जिससे आपके शरीर में विटामिन बी वन की कमी ना हो और आपको बेरी बेरी नामक बीमारी ना हो. इसके बाद स्कैबी स्क्रीवी जो है विटामिन सी की कमी से होती है. इसमें क्या होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स मसूड़ों से खून निकलने लगता है. बहुत सारे लोगों को इस तरह होगा आपके घर में भी. एंड स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स और जोड़ ज्वाइंट्स है उनमें भी पेट रहने लगता है. इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए अपने भोजन में एप्पल ऑरेंज लेमन टमाटो एंड आंवला ये सब फ्रूट्स को और सब्जियों को शामिल करना चाहिए. इसके बाद लीकेज है. लीकेज जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और इसके सिम्टम क्या है बोन्स क्या हो जाते हैं इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं और बोले और पैर जो एक तरह से मुड़ जाते हैं. बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से लेग जो है मुड़ जाते हैं. किसकी कमी से होता है मिल्क की कमी से फिश की कमी से. और इसमें हमें अगर मिल्क दूध मिलता रहे हम फिश खाएं और सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी और सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी ही मिलता है हमें. तो अगर सूरज की रोशनी में मिलते रहे तो हम इससे लीकेज नामक बीमारी से बच सकते हैं. अब वाइटेड जैसे घेंगा कहा जाता है ये आयोडीन की कमी से होता है. आयोडीन क्या है एक प्रकार का मिनरल है. स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स इन नेक रीजन ग्लैंड्स मतलब गले में जो है यहाँ पे जैसे आ जाते हैं इस तरह से गला जो है बड़ा हो जाता है गर्दन के पास और ये किसकी वजह से होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है. और अगर हम आयोडाइज साल्ट और सी फूड खाए तो हमें आयोडीन की कमी नहीं होगी हमारे शरीर में और हमें ये क्वाइटेनम की बीमारी भी नहीं होगी. इसके बाद एनीमिया एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है और इसका सिम्टम क्या है पर्सन गेट टायर्ड इजली व्यक्ति जो है जल्दी थक जाता है एंड लूज पेयर फील और उसका शरीर जो है पीला होने लगता है मतलब उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है एनीमिया की वजह से मतलब आयरन की कमी की वजह से. और अगर हम क्या खाएंगे तो आयरन की कमी हम दूर कर सकते हैं शरीर में तो स्पिनिच मतलब साग मतलब पालक का साग ब्रिंजल जैगरी मतलब गुड़ एप्पल गुआवा एंड मी ये सब कुछ खाने से हमारे शरीर में जो है आयरन की कमी नहीं होगी और हमें एनीमिया नामक बीमारी नहीं होगी. तो ये तो हुआ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज का या फिर डिफेंसियस डिजीज का. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्युनिकेबल डिजीज के विषय मतलब जो संक्रमित बीमारियां जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है उसी प्रकार. देखिए द डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम 1% टू अदर आर कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज. अगर क्वेश्चन हो तो व्हाट इज कॉम्युनिकेबल डिजीज सो कॉम्युनिकेबल डिजीज इज द डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम 1% टू अनदर. ओके कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स. कम्युनिकेबल डिजीज किसके माध्यम से होता है तो जर्म्स की वजह से होता है मतलब जीवाणु कीटाणु की वजह से होता है. जर्म्स वो है माइक्रोबेस है जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देखते हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं. तो सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड फाइनली आर लिस्टेड बिलो. यहाँ पर कुछ जर्म्स दिए गए हैं कम्युनिकेबल डिजीज के जिनके कारण होता है बैक्टीरिया के कारण कम्युनिकेबल डिजीज होता है वायरस के कारण होता है फंगी के कारण होता है और प्रोटोजोआ के कारण होता है. तो जानते हैं बैक्टीरिया के ये सब जर्म्स ये क्या है बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगी क्या है जर्म्स और इनके द्वारा कौन बीमारियां होती हैं. अब देखिए फ्लैग ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है टाइफाइड पी निमोनिया जिसे निमोनिया पढ़ा जाता है एंड कॉलरा ये सब बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं संक्रमित बीमारियां. इसके बाद वायरस वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है कॉमन कोल्ड पोलियो मिसलेज चिकन पॉक्स फ्लू एंड एड्स ये सभी बीमारी वायरस से होती है जर्म से वायरस प्रोटोजोआ
काला जल, एमोबिक डिसेंट्री, ये सभी प्रोटोजोआ के कारण होती है। और फंगी के कारण क्या होता है? इन्फेक्शन ऑन स्किन, सरी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। और एथलेट्स फूड, और पैरों में पानी में जैसा नहीं लग जाता है, हम लोग कहते हैं पानी लग गया, वो तो फंगस फंगी की वजह से होता है। अब टेबल द सिम्टम एंड द प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। सिम्टम के लक्षण क्या है और कैसे इनसे बचाव होगा, ये जानिए सेकंड टेबल में। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज दिया है मलेरिया। सिम्टम क्या है? फीवर कंटेनिंग स्वेलिंग, ऐसा बुखार आता है, तो कभी कभी बुखार आता है मलेरिया में। ए वाइट एसेंशियल वाटर पैडलेट अराउंड योर हाउस, कभी भी पानी जमा नहीं होने दे अपने घर के आसपास गड्ढों में, जल खाली स्पेस में, जिसकी वजह से मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं। दूसरा नियम है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि जो कि जल से होता है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस में? कफ हो जाता है, फीवर, चिल, अंदर ही बुखार आता है, इसके बाद वीकनेस, कमजोरी हो जाती है और वेट लूज हो जाता है, मतलब शरीर का वजन घटना शुरू हो जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। सही, ट्यूबरकुलोसिस में बुखार है, कफ है और वीकनेस हो जाता है, जिसे टीबी भी कहा जाता है। इसके फॉर्मेशन इससे कैसे बचा जा सकता है? वैक्सीनेशन के द्वारा होता है, बचा जाता है। बीसीजी वैक्सीनेशन जो है इसके लिए किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। इसके बाद सेंसिटिविटी, मतलब पिंक आई, मतलब इसे कहते हैं ये कंजक्टिविटी, जो बीमारी जो है पिंक आई से हो जाता है इसमें। ये इसमें क्या होता है कि रेडनेस ऑफ द आईज, आंखों में लालिमापन बढ़ जाता है, टियरिंग और आंसू निकलते रहता है, और डिस्चार्ज ऑफ पस, और हमारी आंखों से कम दिखना शुरू हो सकता है। इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? नेवर टच योर आईज विद द पैटियन, इसे हम तब बचाव कर सकते हैं अपने आंखों को, गंदे हाथों से ऐसे करके मत मिलिए कभी भी। नेवर शेयर टॉवल एंड हैंडकरचीफ, तो हैंडकरचीफ मतलब जो रुमाल आप यूज करते हो दूसरे को, ये रुमाल को आप यूज ना करें, अपने रुमाल को पर्सनली यूज करें, दूसरे को ना, दूसरे के रुमाल को भी ना यूज करें, दूसरे को अपना रुमाल यूज करने के लिए भी ना। इसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है? हेडर, मतलब सिर में दर्द रहता है, फीवर रहता है, अपसेट स्टमक, और पेट जो है गड़बड़ सा रहता है, मतलब पेट हमें लगता है कि गैस है या फिर खाने पीने की इच्छा नहीं करता। मेंटेन द प्रॉपर सेनिटेशन, इसमें प्रॉपर सेनिटेशन मेंटेन करना पड़ता है। इंश्योर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को भी 100 बार के छान ले लीजिए, और डिस्पोजल ऑफ द एक्स्ट्रा और डिस्पोजल को इधर उधर मतलब ऐसा जमा नहीं होने दीजिए, ताकि आपको ये टाइफाइड नमक बीमारी से बदल सके। डिकॉय डिस्पोजल चीजों को ड्रिंकिंग एंड सेनिटेटेड डिस्पोजल ऑफ द एक्स्ट्रा, तो टाइफाइड से हमारा बचाव हो सकता है। टाइफाइड हो जाता है किसी को तो कहा जाता है पानी उबाल के छान के पीजिए, आपका टाइफाइड बुखार से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिम्टम्स एंड द प्रिवेंसिंग मेजर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। ये सब कम्युनिकेबल डिजीज कॉमन रूप से हो जाता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है ये हम जानेंगे। हाउ कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेट, कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह से फैलता है? तो कम्युनिकेबल इज सेपरेट थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स एंड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो है हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, और हम पर्सनली किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब भी हमें ये बीमारी हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो थ्रू एयर, एयर के माध्यम से कैसे होगा? तो मेरे स्टिक पर्सन का स्नीज और स्पीच, जब कोई मतलब बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है, जल्द आर रिलीज इन टू द एयर, हवा में वो जल्द मिल जाते हैं। और मेरी हेल्दी पर्सन ब्रेथ इज एयर, इस एयर, और जब हेल्दी एक स्वस्थ व्यक्ति उसमें सांस लेता है तो जल्द इंटर हर बॉडी, हर एयर इज बॉडी,
जो भी है उसके शरीर में ये जम्स जो है प्रवेश कर जाते हैं, मेक हिम सिक, और वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। We should always cover our nose and mouth with a handkerchief when sneezing or coughing. इसीलिए कहा गया है कि कभी भी खांसते और छींकते वक्त मुंह पर हमें रुमाल या तौलिया का रखना चाहिए। This is like a common cold, flu and tuberculosis spread through air. ये tuberculosis है, ये flu है, ये common cold है, ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। दूसरा है थ्रो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। दूसरा जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, कैसे, कौन सा? When a healthy person common in the contact with a sick person और his handkerchief, अगर वो हेल्दी पर्सन है और जो बीमार व्यक्ति है उसके कॉन्टेक्ट में आता है उसे, उसके हैंडकरचीफ को इस्तेमाल करता है, टॉवेल को इस्तेमाल करता है, क्लॉथेस को इस्तेमाल करता है, तो ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म। वो भी उस जर्म से इन्फेक्टेड हो सकता है, मतलब बीमार हो सकता है। दिस इज लाइक मिसलेस, चिकन पॉक्स एंड रिंग वॉक्स, स्प्रिट रोग, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उसमें आने से हो जाती है। रिंग वॉक है, चिकन पॉक्स है जिसे हम माता जी बोलते हैं, मिसलेस, ये सब बीमारियां जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से होती है। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर भोजन दूषित है, पानी दूषित है, तो हमें ये बीमारी, मतलब हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है? तो समटाइम फूड एंड वाटर में गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स। उस समय ऐसा होता है कि पानी और भोजन में जर्म्स हो जाते हैं। इफ दे आर नॉट स्टोरेड और हैंडल्ड प्रॉपर्ली, अगर हम उसे सही ढंग से स्टोर नहीं करते हैं, सही ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भोजन जो है स्पॉइलेड, वो इन्फेक्टेड भोजन होता है, उसमें जर्म्स हो जाते हैं। फ्लाई एंड कवर करते, अगर हम भोजन को हम कवर करके बिना ढके रखें, वो भोजन हो सकता है। बाढ़ के समय मेरे पास आपका सीजन है, इसमें कोई भी अनकवर्ड फूड अगर मक्खी बैठ गई तो आपका ऑक्सीजन जो है इन्फेक्टेड हो सकता है जर्म्स से। फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैन कंटेमिनेट आवर फूड विद जर्म्स। फ्लाइज और कॉकरोचेस हमारे भोजन को इस प्रकार से दूषित कर देते हैं। और डिजीज लाइक ए कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड पोलियो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। ये जो है, ये सभी बीमारियां जो है, पोलियो भी है इसमें शामिल, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सभी बीमारियां जो है भोजन में हमार और पानी के गंदा होने से होती है। अब देखिए थ्रो इनसेक्ट, अब कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से भी होता है या मच्छरों के काटने से होता है। दिस इज लाइक मलेरिया, डेंगू, प्लेग, चिकनगुनिया, स्प्रिट थ्रो ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक ए मॉस्किटो। ये सभी बीमारियां जो है मच्छरों के काटने होते हैं, मच्छर जो आपके ब्लड को चूसते हैं, फिर ब्लड छूटते हैं, उनके वजह से होता है। फिर मच्छर काटते हैं या फिर बग्स हटमन या फिर फ्लाइज, मतलब मक्खियों के काटने से होता है, कीड़े मकोड़े काटने से। मलेरिया इज काउजेड बाई ए प्रोटोजुआ, मलेरिया जो है प्रोटोजुआ के कारण होता है। दैट इज कैरीड बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ये प्रोटोजुआ कौन कैरी करता है? वो मस्किटो है, मच्छर है, लेकिन फीमेल है, फीमेल एनोफिल्स मच्छर के काटने से हमें मलेरिया नामक बीमारी होती है। When the mosquito bites someone with malaria, अगर वे जब मस्किटो किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो उसे मलेरिया होती है। The germs and suck up in the blood, ये क्या करती है, germs को suck करती है, हमारे शरीर में पहुंचा देती है। When the mosquito bites a healthy person, जब यही mosquito जो है एक healthy स्वस्थ व्यक्ति काटता है, the germs are infected into the healthy person। और एक व्यक्ति जिसको शरीर में मलेरिया हो, बुखार हो रखा है, उस व्यक्ति काटता है मच्छर, और फिर जब वो हेल्दी व्यक्ति को ब्लड सकिंग ब्लड करता है, तब वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या पहुंचा देता है, बीमारी को पहुंचा देता है, मलेरिया बीमारी को पहुंचा देता है, जिसके वजह से दूसरे व्यक्ति हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया बीमारी हो सकती है। डेंगू इज स्प्रेड बाय द बिट्स ऑफ द एच मॉस्किटो, एच मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। फ्लाइज इज स्प्रेड बाय द बिट्स ऑफ द फ्लीज कैरीज बाय रैट्स, रैट के काटने, रैट जो है काट लेता है किसी को, तो उसे फ्लाइज नामक बीमारी हो जाती है। इस ये जो कौन सा है, फ्लाइज नामक बीमारी जो है रैट के काटने से।
नेक्स्ट रिकॉर्ड में देख लीजिए आप सभी।